क्या मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं तो आप यकीन करेंगे कि हीरा, डायमंड, रूए जमीन पर पाए जाने वाली महंगी तरीन चीज है ना डायमंड। यानी मैंने बरतानिया में एक म्यूजियम है, वहां पर कोहेनूर हीरा रखा है जो दुनिया के महंगे तरीन हीरों में से था। तो वो कितना बड़ा होगा, मतलब एक अच्छे साइज का था, बस ठीक था। यानी ये नहीं कि कोई रूम जितना बड़ा था, ऑफ कोर्स हीरा इतनी कीमती चीज है। क्या मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि हीरा जो रूए जमीन पर पाए जाने वाली सबसे महंगी चीज है, इसी दुनिया में एक सैयारा है जहां हर वक्त, जी हां आपने सही सुना, जहां हर वक्त हीरों की बारिश होती रहती है। कुछ इस तरह का मंजर है, कुछ इस तरह का मंजर होगा। हर वक्त, एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल मोमेंट, यानी अब जब से ये सैयारा अमल में आया है, ये सिलसिला चल रहा है, ऐसा ही है। निजामे शमसी के आखिरी सैयारे नेपच्यून पर हर वक्त हीरों की बारिश होती है। मसलन अगर अरबों साल से बनाए तो अरबों साल से हर लम्हा हीरे बरस रहे हैं, यानी नेपच्यून का फर्श हीरों का बन गया है। इतने हीरों की बरसात इतने वक्त से हो रही है कि आज अभी अगर किसी तरह इंसान की रसाई हो जाए तो इस जमीन पर बसने वाले हर इंसान में भी अगर हीरे तकसीम कर दिए जाए तो हीरे खत्म नहीं होंगे, इंसान खत्म हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। तो ये नेपच्यून तो बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा अल्लाह है। अल्लाह अकबर। आगे सुनिए, ये तो एक ऐसा सैयारा है जहां हर तरफ हीरो की बारिश हो रही है, एक ऐसा सैयारा है जो बना हुआ ही हीरो का है, डायमंड प्लैनेट। कुछ इस तरह की सूरत होगी, बना हुआ ही हीरो का है। अब ये तो बहुत ही बड़ा है, हाँ है, सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा वही है, ये है अल्लाह अकबर। ये है वो अजीम जुमला कि जिसको सुनने और समझ लेने के बाद सिवाय कोई मुतकब्बिर शख्स के हर एक शख्स का सर सजदे में चला जाए कि अल्लाह तू कितना बड़ा है। यही वो किबरियाई है। बस आपने सब सुन लिया कि ये आसमान, कायनात, सितारे, सैयारे, डायमंड प्लैनेट, डायमंड नेपच्यून, ये सब सुन लिया। अब कुरान करीम की एक आयत सुन लीजिए और रोंगटे खड़े हो जाए। ये सब सुनने के बाद अब सुनिए, सूरह जुमर में इरशाद फरमाया, तर्जुमा पेश करता हूं। उन्होंने अल्लाह की कदर ही ना की, उन्होंने अल्लाह की कदर ही ना की जैसी उसकी कदर करने का हक था, और उसकी बड़ाई का ये हाल है, ये सुनिएगा, उसकी बड़ाई का ये हाल है कि कयामत के दिन जमीन, जिसकी वसत अभी आपको बताई, कयामत के दिन जमीन उसकी मुट्ठी में होगी, आसमान जिसकी वसत आपको बताई, उसकी बड़ाई का हाल ये है कि तमाम आसमान उसके सीधे हाथ में लिपटे हुए होंगे। ये है, इसलिए क्यों ना आज के बाद, इस लम्हे के बाद, मैं और आप जब जबान से कह रहे हो तो सिर्फ जबान ना कहे बल्कि जबान के साथ हमारा दिल भी कहे अल्लाह अकबर।